आज की मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जजमेंट डे टीम की एंट्रेंस होती है। जजमेंट डे टीम आपको पता आती है तो एक दूसरे के हाथ में माइक देते और बातें करते रहते हैं, तो यहाँ पर जेडी मैकडोनल्ड इनकी बातों में इंटरफेरेंस करता है और उसके बाद यहाँ पर ये बोलता है कि भाई अपनी टीम में मुझे ज्वाइन कर लो। तो इतनी देर में यहाँ पर सैमी ज़ेन आके इन पर अटैक कर देता है। सैमी ज़ेन इन पर अटैक करता है तो भाई यहाँ पर ये हेल्प मांगता है, जजमेंट डे टीम से इनकी कोई हेल्प नहीं करता। तो यहाँ पर इनकी सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोनल्ड का मैच कन्फर्म हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा होता है मैच। मैच के एंड में यहाँ पर फिन बैलर जो है सैमी ज़ेन को डराने के लिए भागते हुए आते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन से डरते नहीं, हलुआ किक मारते हैं जेडी मैकडोनल्ड को और यहाँ पर इनको पिन कर देते हैं, हरा देते हैं और यहाँ पर विन करते हैं सैमी ज़ेन और कुछ एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से इस तरीके से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है गंथर की जो है टीम एम्पेरियम, यहाँ पर इसका एंट्रेंस होता है। तो यहाँ पर गंथर जो है टेबल डेस्क के ऊपर खड़े होते हैं और उसके बाद यहाँ पर इतनी देर में चैट गेबल आ जाते हैं, शूश करके बोलता है जैसे कि आपको बताइए, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई अब तुझे मैं हराने वाला हूँ, सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया। तो इतनी देर में इसके चेले जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं, अपने चेलों को हुक्म देता है। तो इसका दूसरा चेला गंजा है, वो जेड गेबल के साथ फाइट करता है, जिसमें जेड गेबल इनको अपना सुप्लेक्स मार के हरा देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है कि भाई ओटिस वर्सेस गंथर का मैच यहाँ पर होता है, जो दो मिनट के अंदर सिर्फ कन्फर्म होता है। ओटिस को यहाँ पर पावर बम्ब लगाकर गंथर पिन कर देते हैं, हरा देते हैं। तो इतनी देर में इनके ऊपर अटैक कर देते हैं जेड गेबल। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर में, बैक साइड एरिया में देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकइंटायर से पूछा जाता है कि अब आप क्या नेक्स्ट करोगे, आपने ड्रू गंथर को अगर हरा नहीं पाया। तो यहाँ पर इतनी देर में यहाँ पर मैट रिडल आकर इनको बोलता है कि भाई तुम अब मेरे साथ टीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे साथ कोई बंदा नहीं है, मेरे को वाइकिंग राइडर को हराना। तो ड्रू मैकइंटायर के साथ टीम ज्वाइन करता है, वाइकिंग राइडर को क्लाइमर किक लगाता है और यहाँ पर इनकी विक्ट्री हासिल होती है, दोनों जीत जाते हैं। उसके बाद हमें बैक साइड एरिया में देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर और मैट रिडल खड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर द न्यू डे आकर खड़ी होती है और बोलती है कि भाई अब तुम दोनों में से जो भी जीतेगा, हम दोनों टीम में से, वो आगे चैलेंज करेगा केविन ओवन और सैमी ज़ेन को, जो कि हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। ड्रू मैकइंटायर एंड मैट रिडल वर्सेस द न्यू डे का मैच होगा नेक्स्ट वीक। उसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है इंडी हार्टवेल वर्सेस रिया रिपली का मैच होता है, जिसमें हमें पता ही था कि भाई इंडी हार्टवेल किसी भी सूरत पर जीतने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिया रिपली इनको पेंट कर देती है, हरा देती है, क्योंकि रिया रिपली इतनी कोई हल्की तो है नहीं, इनको कोई भी आगे हरा दे इतना तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर रिया रिपली के जीतने के बाद ये दोनों टीम इन पर अटैक कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में देखने को मिलता है शिंस्के नाकामुरा ने जो पिछली मंडे नाइट रॉ में अटैक किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर, वो आज यहाँ पर आकर रिवील करते हैं कि भाई क्यों इन्होंने अटैक किया था। माइकल कॉलिंस से पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों किया था, फिर अपनी जबान में पता नहीं क्या तू तड़ा करके बोलते रहे थे, मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आया। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आके इनके सामने अपनी इज्जत दिखा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को दोबारा से उसी तरीके का मूव लगा देते हैं और दोबारा से मतलब उसी तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे कि रिंग के साइड से जा रहे होते हैं, मतलब ये सारा रिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का मैच होता है, ये मैच काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पर ये बैक साइड एरिया में जाकर खड़े होते हैं, वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर ये जोई स्टार्क जो है वो आकर इन पर अटैक करती है बैकी लिंच के ऊपर, इस वजह से मैच जो है ओवर होता है, इस मैच में कोई भी नहीं जीतता। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच होता है, जिसमें कॉडी रोड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं फिन बैलर को, और फिन बैलर भी यहाँ पर पिट रहे होते हैं, लेकिन फिन बैलर यहाँ पर जब तड़ते हैं, जब यहाँ पर फिन बैलर के साथ इनकी टीम जजमेंट डे आ जाती है, डेविन पीस जो है मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत तड़ियाँ लगा रहे होते हैं, मामी जो है इनको स्टील चेयर देती है तो रेफरी इन पर छींकता है। तो यहाँ पर जो मामी जो है वो ध्यान में भटका के रखती है रेफरी को फिन बैलर के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है, मनी इन द बैंक कैश इन ये मुँह पर मारते हैं फिन बैलर के, यहाँ पर पिन कर देते हैं फिन बैलर को हरा कर, यहाँ पर जीत जाते हैं कॉडी रोड, जीत तो जाते हैं लेकिन आगे यहाँ पर अटैक कर देती है जजमेंट डे टीम कॉडी रोड्स के ऊपर। तो इतनी देर में यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, सैमी ज़ेन आते ही यहाँ पर फिन बैलर को सबसे पहले स्टील चेयर से मारते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को मारते हैं स्टील चेयर से। इन दोनों को मारने के बाद जब ये डैमेज पीस को मारने लगते हैं तो यहाँ पर जेडी मैकडोनल्ड आ जाते हैं, जिनका इनका फर्स्ट जो मैच था मंडे नाइट रॉ में वन का था। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ये जो हायर हो जाती है टीम जजमेंट डे, यहाँ पर हायर हो जाती है और जेडी मैकडोनल्ड यहाँ पर नजर नहीं आते। तो दोस्तों ये थी आज की मंडे नाइट रॉ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।